Good morning, students. Today we shall discuss about balancing of redox reaction. Balancing of redox reaction are done by two methods, that is oxidation. Number method. Half equation method is also named as ion electron method. We shall discuss these two methods one by one. So let's discuss our first method of balancing, that is oxidation number method, by taking an example. So let's take example of redox reaction when dichromate ion aqueous solution of dichromate ion and react with ferrous solution in acidic medium, that is produce ferric ion and chromium ion. The reaction is in acidic medium. Now we have to balance this equation by oxidation number method. So basically, what do you mean by balancing? Balancing आपने 10th class में की है. Balancing of equation, that means each and every element become equal on both the side, reactant as well as product side. But redox जो reaction होगी, redox reaction में basically ions participate करेंगे. तो यहाँ पे आपको number element को equal करने के साथ साथ charge भी equal करना है. ये यहाँ पे important ध्यान रखना. अब जो सबसे पहला step है बैलेंसिंग, आपको हमेशा स्टेप वाइज करनी है. तो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप इज मेंशन ऑक्सीडेशन नंबर. सबसे पहले हम रिएक्शन में हर एक एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे. दी रिडॉक्स रिएक्शन में देयर इज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट. तो जो एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, हमें उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे. सो दैट वी कैन इंडिकेट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब जो जनरल नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक ऑक्सीजन सिंपल ऑक्साइड फॉर्म में हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, ठीक है. तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो इन केस ऑफ डाइक्रोमेट आयन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम. क्रोमियम की अब हमने मेथड किया था, जिसकी भी आपको कैलकुलेट करनी है. लेट अस कंसीडर इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एज एक्स. यहाँ पे टू क्रोमियम एटम है. अगर एक एटम की एक्स है तो टू क्रोमियम एटम है. ऑक्सीडेशन स्टेट 2x प्लस 7 ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू -2. सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ओवर आयन. तो यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. 2x -14 है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो +14. -2 +14 +12, तो हियर x बिकम +6. सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज प्लस आयरन पे चार्ज 2 पॉजिटिव मेंशन है. द चार्ज प्रेजेंट ओवर आयन इज इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ पे 3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव, ये तो सारे आयनिक फॉर्म में है. उसके बाद सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन किया, देन इन सेकंड स्टेप मेंशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. क्या आपको मेंशन करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ एंड विच सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड. So we know that terms of oxidation number, increase in oxidation number is oxidation and decrease in oxidation number is named as reduction. तो यहाँ पे in case of dichromate ion, chromium की जो oxidation state है, that is changes from +6 to +3. Chromium की oxidation state +6 to +3.
can undergo reduction. And iron changes its oxidation state from +2 to +3. He can change its oxidation state by one increase of oxidation state. So we can say that ferrous ion undergo oxidation. Is it clear? So in first step, firstly we have to mention oxidation state of every element. Then in second step, we have to check which element or compound undergo oxidation or reduction. जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई दैट इज अंडरगो ऑक्सीडेशन ऑन द सब्सटेंस हुज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस दैट अंडरगो रिडक्शन. क्लियर है ये? उसके बाद फर्दर अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मेंशन करने के बाद यानी थर्ड स्टेप यू हैव टू राइट टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. टोटल इंक्रीज किसका हुआ? Fe2 पॉजिटिव आयन का. और कितना इंक्रीज हुआ? 2 पॉजिटिव टू 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ. दैट मींस टोटल इंक्रीज कितना आया? 1. टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किसका हुआ? डाइक्रोमेट आयन में डिक्रीज आया. और कितना डिक्रीज आया? 1 क्रोमियम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 डिक्रीज हुई. एक क्रोमियम ने चेंज किया +6 to +3. यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन कंटेन 2 क्रोमियम एलिमेंट. ठीक है, डाइक्रोमेट में 2 क्रोमियम एलिमेंट है. तो अगर एक का ऑक्सीडेशन नंबर बाय 3 डिक्रीज हुआ तो 2 एलिमेंट में कितना डिक्रीज होगा? टोटल 6. यू हैव टू रिप्रेजेंट टोटल इंक्रीज और डिक्रीज. अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट है तो आपको टोटल इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करना है. Now we know that decrease represent there is loss of one electron and increase in oxidation represent that means dichromate ion gain 6 electron. ठीक है, अब हमें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इक्वल करने पड़ेंगे. किसी एलिमेंट ने जितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया सेकेंड एलिमेंट उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. और वो हम कैसे करेंगे? जब ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज आया वो सेम होगा तो सेम के लिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. जिसका इंक्रीज आया उसको टोटल डिक्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड द सब्सटेंस विच शो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर उसको हम जितना इंक्रीज है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इज इट क्लियर? सो अब यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन में डिक्रीज था 6 का, तो डाइक्रोमेट आयन को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया. Fe2 पॉजिटिव आयन में इंक्रीज था 1 का, तो उसको डिक्रीज 6 के साथ मल्टीप्लाई किया. इसलिए नाउ इन फोर्थ स्टेप नाउ बैलेंस ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय हीट एंड ट्राई मेथड. ठीक है, हीट एंड ट्राई मेथड से हर एक एलिमेंट को बैलेंस करना. हीट एंड ट्राई मेथड में जस्ट आप वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे. यहाँ पे 2 क्रोमियम एलिमेंट है. हेयर इन प्रोडक्ट साइड देयर इज ओनली 1 क्रोमियम एलिमेंट, तो हम प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रोमियम को. रिएक्टेंट में आयरन 6 है, प्रोडक्ट साइड 1 थे, तो प्रोडक्ट साइड भी हमने 6 से बैलेंस किया. अब जब सारे एलिमेंट बैलेंस हो जाएंगे देन वी हैव टू बैलेंस चार्ज. देन इन फिफ्थ स्टेप वी हैव टू बैलेंस चार्ज. चार्ज के लिए आपको चेक करना है कि आपकी इक्वेशन एसिडिक मीडियम की है या बेसिक मीडियम की. अगर इक्वेशन एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में वी एड एच पॉजिटिव आयन एंड इन बेसिक मीडियम वी हैव टू एड OH नेगेटिव आयन. इज क्लियर? अब यहां पे सबसे पहले आप चार्ज देखिए.
इलेक्ट्रिक साइड कितने चार्ज है, डाइक्रोमेट आयन में माइनस टू, Fe टू पॉजिटिव, एक आयरन में टू पॉजिटिव चार्ज है, इक्वेशन में सिक्स आयरन है, सिक्स में कितना होंगे टोटल प्लस 12, तो माइनस टू प्लस 12, टोटल रिएक्टेंट साइड चार्ज है प्लस 10, और प्रोडक्ट में वन आयरन फेरिक आयन, वन फेरिक आयन कंटेन प्लस थ्री चार्ज, सिक्स आयन कितने करेंगे 18, क्रोमिक आयन पे थ्री पॉजिटिव, टू पे सिक्स, तो टोटल प्लस 24, ठीक है। अब आपकी इक्वेशन एसिडिक मीडियम में थी, हमने स्टेटमेंट में किया था दैट डाइक्रोमेट आयन डिसॉल्विंग फेरस आयन सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में हम एच पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे, सो दैट इज ऑब्वियस एच पॉजिटिव आयन आप उस साइड ऐड करोगे जहां पॉजिटिव चार्ज कम है, तो रिएक्टेंट साइड प्लस 10, प्रोडक्ट साइड प्लस 24, सो वी ऐड प्लस 14 एच पॉजिटिव आयन टू आवर रिएक्टेंट साइड, 10 में 14 एच पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे, सो दैट चार्ज इज इक्वल टू प्लस 24, ठीक है। बैलेंस करने के लिए नाउ वी ऐड 14 एच पॉजिटिव आयन टू लेफ्ट हैंड साइड, एंड इन द लास्ट स्टेप नाउ वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए सिंपली जिस डायरेक्शन में आपने एच पॉजिटिव आयन ऐड किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम वॉटर ऐड करेंगे। अब नाउ वी नो दैट वन वॉटर मॉलिक्यूल कंटेन टू हाइड्रोजन एटम, तो जितना एच पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन ऐड करोगे आप जनरली उसके हाफ वॉटर मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होंगे। तो यहाँ पे हमने 14 एच पॉजिटिव आयन ऐड किया है, तो प्रोडक्ट साइड 7 वॉटर मॉलिक्यूल्स हम ऐड करेंगे टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 7 थे, साइड पे 7 क्रोमियम, 2 आयरन, 6 हाइड्रोजन, 14 चार्ज भी बैलेंस है, 2 प्लस माइनस 2 प्लस 18, 10 प्लस 14 24, इधर 18 प्लस 6 24, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में आपको मेन कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है, आपके एलिमेंट इक्वल होने के साथ साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चार्ज भी इक्वल होना चाहिए, बिकॉज इन केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देयर इज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जो उसके साथ में सब्सटेंस है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रख, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन मस्ट बी इक्वल, इज इट क्लियर। सो दिस इज अवर बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, नाउ बैलेंस दिस रिडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। अब इक्वेशन आपकी बेसिक मीडियम की है, सो आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, मेंशन ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्म, इन मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट 0, OH नेगेटिव, सिंपल ऑक्सीजन कोई माइनस 2, हाइड्रोजन प्लस 1, क्लोरीन आयन ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 1, पर क्लोरेट आयन ओवरऑल चार्ज माइनस 1 है, वी हैव टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, लेट अस कंसीडर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज एक्स, 3 ऑक्सीजन है, एक पे माइनस 2 चार्ज है, तो 3 पे माइनस 6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन बिकम प्लस 5। नाउ इन सेकेंड स्टेप यू हैव टू मेंशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हुआ, यहाँ पे देखिए क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम 0 टू माइनस 1 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम 0 टू प्लस 5। ऑक्सीजन का सेम ही है माइनस 2 माइनस 2, यहाँ पे क्लोरीन भी
ऑक्सीडेशन हुई है क्लोरीन अंडरगो है क्लोरीन इटसेल्फ शो बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन. And this type of reaction in which the same element undergo oxidation as well as reduction, these are named as disproportionation reaction. So this is an example of disproportionation reaction. अब यहाँ पे next step में हम क्या करेंगे oxidation reduction के बाद? Now we have to check total increase or decrease in oxidation number. अब disproportionation reaction में एक ही element oxidized हुआ, एक ही element reduced हुआ. तो उसको थोड़ा इजी करने के लिए इसको आप टू टाइम्स लिख लो. ठीक है, यहाँ पे Cl टू एक बार और लिख लो. एक क्लोरीन को कंसीडर कर लेते हैं कि वन क्लोरीन अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड अनदर क्लोरीन गैस अंडरगो रिडक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन को पहले आप बैलेंस कर लीजिए ताकि आपको बाद में ज्यादा दिक्कत ना आए. यहाँ पे देखिए जब ऑक्सीडाइज हुआ क्लोरीन तो यहाँ Cl2 से ClO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, टू क्लोरीन बैलेंस कर लो. इधर क्लोरीन पर अंडरगो रिडक्शन देन इट इज कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव. क्लोरीन आपका बैलेंस है. नाउ यू हैव टू राइट टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. टोटल इंक्रीज कितना आया? जीरो टू प्लस फाइव. टोटल फाइव का एक क्लोरीन एटम ने फाइव का इंक्रीज दिया तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? टू क्लोरीन एटम है तो टू क्लोरीन एटम कितने ने इंक्रीज देंगे? टेन का. ऐसे ही टोटल डिक्रीज कितना आएगा? डिक्रीज पर क्लोरीन एटम जीरो टू माइनस वन. एक क्लोरीन एटम में वन का डिक्रीज दिया ऑक्सीडेशन स्टेट में तो टू क्लोरीन एटम के अकॉर्डिंग टोटल डिक्रीज आ जाएगा टू का. Then we have to is it clear? उसके बाद आपको इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल करना है. तो यहाँ पे इंक्रीज आया टोटल टेन का, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर टू. तो हम क्या करेंगे? जितना डिक्रीज आया उसको फाइव से मल्टीप्लाई आप करवा दोगे तो टोटल इंक्रीज और डिक्रीज बिकम इक्वल, दैट इज टेन. तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज हमने रिडक्शन में इसका आया Cl2 से जब Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ क्लोराइड आयन में, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो. इंक्रीज को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इंक्रीज 10 का था, मल्टीप्लाई वो हो रहा है तो आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. इज इट क्लियर? उसके बाद फर्दर हम क्या करते हैं? अब यहाँ पे इस इक्वेशन को एक बार हम लिख लेते हैं. फाइव सी एल टू प्लस सी एल टू टोटल कितने हो गए? सिक्स क्लोरीन प्लस ओ एच नेगेटिव आयन इज फॉर्म टू सी एल नेगेटिव प्लस टू सी एल ओ थ्री माइनस. देन इन नेक्स्ट स्टेप अगर आपको याद हो देन वी हैव टू बैलेंस ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस करते हैं. तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं टोटल? बैलेंसिंग हम बाय हीट एंड ट्रायल मेथड करेंगे. नाउ हियर रिएक्टेंट साइड टोटल 12 क्लोरीन है, प्रोडक्ट साइड 2 प्लस 2 4 ही है. तो हम यहाँ पे 12 करने हैं ना तो हीट एंड ट्रायल मेथड में हम क्लोराइड आयन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंस्टीड ऑफ 2, क्योंकि अगर आप पर क्लोरेट आयन में क्लोरीन को चेंज करते हो तो ऑक्सीजन भी चेंज हो जाएगा, हमें सिर्फ क्लोरीन को चेंज करना है. अब हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया, देन वी हैव टू बैलेंस चार्ज. चार्ज रिएक्टेंट साइड है माइनस वन, प्रोडक्ट साइड माइनस टेन इधर है, माइनस टू पर क्लोरेट आयन टोटल माइनस ट्वेल्व. एसिडिक मीडियम में नाउ अवर रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम. रिएक्शन आपकी बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में हम OH नेगेटिव आयन ही ऐड करेंगे. तो नेगेटिव आयन किस डायरेक्शन में ऐड होगा? जहां पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी कम है. तो रिएक्टेंट साइड
माइनस वन चार्ज है, माइनस वन में हम कितना ऐड करेंगे कि माइनस ट्वेल्व हो जाए, प्लस टेन प्लस इलेवन होगा नेगेटिव, ठीक है, इलेवन नेगेटिव चार्ज और ऐड करोगे तो यहाँ पे एक ओएच नेगेटिव और है, नाउ है वन ओएच नेगेटिव इज ऑलरेडी प्रेजेंट, इलेवन और ऐड करोगे तो टोटल कितने हो गए ओएच नेगेटिव आए ट्वेल्व। And then in next step we have to balance oxygen and hydrogen. Now oxygen और hydrogen को balance करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके opposite direction में half water molecule हम add कर देंगे। तो यहाँ पे 12 OH negative है, तो product side आप 6 OH negative ion add कर देंगे। So to balance oxygen and hydrogen, हमने जिस डायरेक्शन में H पॉजिटिव है OH नेगेटिव आयन ऐड करते हैं उसके अपोजिट साइड उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। So on reactant side we add 12 OH नेगेटिव आयन, so on product side we add 6 water molecules. Now this is our balanced chemical equation. यहाँ पे अगर आप टोटल नंबर ऑफ आइटम्स चेक करते हो, क्लोरीन कितने हैं? 12, इसमें 10 प्लस 2 12, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12, इधर 6 प्लस 6 12, हाइड्रोजन 12, इधर इन केस ऑफ वाटर H2 × 6 12, ठीक है, ऑल द एलिमेंट आर बैलेंस, चार्ज माइनस 12, इधर भी माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12, एलिमेंट इक्वल है और चार्ज इक्वल है, इज इट क्लियर? सो दिस इज अवर बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। So this is the balancing by oxidation number method. Oxidation number method में firstly we have to mention oxidation state, then we have to represent oxidation and reduction. जिस भी element ने oxidation state, जिस भी element में oxidation state में increase आया that undergo oxidation and which show decrease in oxidation state that undergo reduction. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में थर्ड स्टेप में देन वी हैव टू रिप्रेजेंट टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। टोटल में हम अगर एक एलिमेंट ने 3 का गेन किया और आपके पास टोटल 2 एलिमेंट है तो टोटल आपको चेंज देखना है, तो 2 एलिमेंट के अकॉर्डिंग गेन कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, टोटल इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करने के बाद आप इंक्रीज और डिक्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी चेंज है वो इक्वल आ जाए। ठीक है, जिस एलिमेंट ने ऑक्सीडेशन स्टेट का विच एलिमेंट अंडरगो रिडक्शन उसको हम जिस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई उसको हम डिक्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई उसको हम इन टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन आफ्टर दैट वी हैव टू बैलेंस ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लेंगे। एंड देन इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू बैलेंस चार्ज। चार्ज बैलेंस करने के लिए सिंपली आप ये चेक करोगे कि आपकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम की है या बेसिक मीडियम की। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम की है देन वी ऐड एच पॉजिटिव आयन, इफ द रिएक्शन इज ऑफ बेसिक मीडियम देन वी ऐड ओएच नेगेटिव आयन टू द रिएक्शन। क्लियर है? उसके बाद देन वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एंड फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हमने जिस भी डायरेक्शन में एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव आयन ऐड किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका हाफ मॉलिक्यूल वाटर ऐड होगा। आफ्टर एडिंग वाटर हमारी रिडॉक्स रिएक्शन ऑटोमेटिकली कंप्लीट बैलेंस हो जाएगी, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। आई होप यू क्लियर ऑल द स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।